अस्सलाम वालेकुम, के ट्रेड मॉर्निंग आउटलुक के साथ मैं हूं अशांत। लास्ट वीक की मार्केट को देखा जाए तो मार्केट ने मेनली एक पॉजिटिव मोमेंटम ही मेंटेन करके रखा, और अगेन हमने ये देखा कि पिछले हफ्ते भी जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं या जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं वही मार्केट को एक फर्दर मोमेंटम के अंदर प्रोपेल करते रहे, जिसमें से मेनली हमने देखा कि बैंक्स के अंदर एक अच्छे वॉल्यूम गेन हमें देखने को मिले। इसके अलावा फर्टिलाइजर सेगमेंट एंड पावर सेगमेंट की तरफ से भी एक अच्छी कंट्रीब्यूशन देखी गई। एक और जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट सेक्टर हमें मार्केट में नज़र आया वो था ENP सेगमेंट। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो मारी एंड OGDC के अंदर हमने देखा कि वॉल्यूम गेंस नज़र आते रहे। इवन दो ऑन द अदर हैंड हमने ये देखा कि FTSE रसल की जो रीबैलेंसिंग हो रही है, जिसकी वजह से जो उसके अंदर लिस्टेड स्टॉक्स हैं जिसमें नेमली जो मोस्ट प्रोमिनेंट रहे सामने वो OGDC, हब पावर एंड लकी सीमेंट रहे, तो उसके अंदर एक जगह पे तो सेलिंग आ रही थी बट दूसरी जगह हम ये देख रहे थे कि इंडिविजुअल्स की तरफ से स्पेशली इन सेक्टर्स के अंदर या इन स्टॉक्स के अंदर बाइंग भी साथ साथ होती रही, जिसकी वजह से वॉल्यूम गेन्स काफ़ी अच्छे हो रहे थे। FTSE रीबैलेंसिंग की बात की जाए तो आज उसका लास्ट डे है, तो हम ये देख सकते हैं कि जो सेलिंग प्रेशर है वो थोड़ा सा ईज ऑफ होता रहेगा, और अगेन जो इंडिविजुअल्स हैं वो जो लिस्टेड कंपनीज हैं ये जो मोस्ट प्रोमिनेंट कंपनीज हैं इन द FTSE रसल लिस्टेड इंडेक्स उसके अंदर फर्दर बाइंग करते रहेंगे। न्यूज़ साइट पे देखा जाए तो एक मार्केट कंसेंसस सामने आया है कि जो पाकिस्तान की इन्फ्लेशन है वो 7.5% तक ड्रॉप कर सकती है इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही बनेगा कि जो इंटरनेशनल ऑयल रेट्स हैं वो एक स्टडी डिक्लाइन पे हैं, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं पाकिस्तान के ऊपर वो आहिस्ता आहिस्ता ईज ऑफ हो रहे हैं, प्लस जो इम्पोर्ट बिल का जो प्रेशर पाकिस्तान पर रहता है वो भी काफ़ी हद तक ईज ऑफ होता हुआ जा रहा है। सब्सिक्वेंटली अगर हम देखें तो इसी की वजह से जो आगे आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अंदर भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको आइदर तो, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है, तो आइदर तो स्टेबल रखा जाएगा या फर्दर उसके अंदर हम डिक्लाइन भी देख सकते हैं। इसके अलावा PIA कंपनी की तरफ से एक न्यूज़ आई है कि जो इसकी बिडिंग है प्राइवेटाइजेशन के लिए वो 1 अक्टूबर को फाइनलाइज की जाएगी, और ये हम देखते रहे हैं कि काफ़ी टाइम से इसके अंदर डिलेज आ रहे हैं, ये चीज़ पोस्टपोन होती रही है, तो फाइनली एक साई ऑफ रिलीफ देख सकते हैं फॉर द इन्वेस्टर्स कि जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। इवन दो PIACL जो स्टॉक मार्केट पर अब तो लिस्टेड नहीं है, उसकी होल्डिंग कंपनी लिस्टेड है, बट अगेन इसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि जो इसका लिस्टेड स्टॉक है होल्डिंग कंपनी उस पर इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। आज की मार्केट की बात की जाए तो मेनली एक पॉजिटिव मोमेंटम ही मेनटेन होते हुए दिख रहा है गोइंग फॉरवर्ड, बट हम ये देख सकते हैं कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर भी मार्केट के अंदर सामने आ जाए, रीज़न बीइंग के रोल ओवर वीक है, पोजीशंस डिस्पोज ऑफ होती हैं, बट इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए इन चेक रखने के लिए हम ये देख सकते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट की वजह से अफेक्टेड कंपनीज हैं जिसमें या सेक्टर्स हैं जिसमें सीमेंट्स ऑटोज एंड स्टील्स आ जाते हैं उसके अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है। इसके अलावा साजगार का भी रिजल्ट आज एक्सपेक्टेड है, और एक्सपेक्टेशन इससे अच्छी ही रखी गई हैं इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड एंड EPS, गिवन दैट के जो इसके जून के नंबर्स हैं वो काफ़ी हद तक सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुए थे। एक और चीज़ इन्वेस्टर्स को इस हफ्ते अपनी वॉच में रखनी चाहिए कि जो 25 सितंबर को IMF की बोर्ड मीटिंग है जिसमें पाकिस्तान एजेंडा में है, तो उसमें मोस्ट लाइकली यही लग रहा है कि जो $7 बिलियन का ट्रांच है वो पाकिस्तान को रिसीव हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ लोन्स, और इसकी वजह से जो डॉलर इनफ्लो है प्लस जो मार्केट के अंदर एक सेंटिमेंट है स्पेशली फ्रॉम द फॉरेनर सेगमेंट वो इम्प्रूव होते हुए हमें देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।